हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपके लैपटॉप के अंदर डिवाइस मैनेजर के अंदर यहाँ पर ब्लूटूथ का आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ डिवाइस मैनेजर के अंदर यहाँ पर इस लिस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस का ऑप्शन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऑप्शन आपको कैसे लेके आना है, कैसे ठीक करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर यहाँ पर आपका ब्लूटूथ का आइकन नहीं आ रहा है, डिवाइस का जो ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो आपको कैसे लेके आना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मेथड, कुछ तरीके बताऊंगा जिनका यूज करने से यहाँ पर जो आपका ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्शन के अंदर आपको क्लिक करना, जो ये एक्शन टैब आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहां पर आपको स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको अदर डिवाइसेस का, ठीक है। यहां पर आपको अननोन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक कर देना है इसके ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर एंड एक माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर। तो यहाँ पर जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लेट मी पिक फ्रॉम लिस्ट ये वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जितने भी आपके लैपटॉप के अंदर डिवाइस जो ड्राइवर्स हैं यहाँ पर उनका लिस्ट दिखा देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लूटूथ का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैन्युफैक्चरर्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है, जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है जिसने ये बनाया है, यहाँ पर वो लैपटॉप का आपको लिस्ट दिखा देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल लैपटॉप भी दिखा रहा है, यहाँ पर एचपी के भी हैं, जितने भी अगर आपका जिस कंपनी का आपका लैपटॉप है तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर उसका आप नेम देख लीजिए और यहाँ पर उसको जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर इस लिस्ट के अंदर आपके लैपटॉप का नेम नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर डेल का लैपटॉप है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस डेल लैपटॉप के ऊपर ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो वायरलेस का ड्राइवर है आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन चारों में से आपको एक इंस्टॉल करना है, तो आप जो सबसे फर्स्ट वाला है ये आपको इंस्टॉल करना है ADR करके, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर एक आपको वार्निंग मैसेज दे देगा। ये वार्निंग मैसेज क्या है कि यहाँ पर ये ड्राइवर अगर आपने इंस्टॉल भी कर लिया तो हो सकता है ये काम ना करे और हो सकता है ये काम भी कर जाए, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है, जैसे आप इसको यस करोगे तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा इस ड्राइवर का। ठीक है, यहाँ पर ये ड्राइवर अपडेट हो चुका है। आप जब इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पर ये लिस्ट के अंदर आपको ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर शो होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ब्लूटूथ का जो आप देख पा रहे हो जैसे यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो मिसिंग था वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा आपको। यहाँ नीचे की तरफ भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी ये ब्लूटूथ का जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका इससे भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है,
अगर फ्रेंड्स ये करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ये ऑप्शन ये यहाँ पर बंद कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टाइप करना है आपका लैपटॉप का नेम एंड उसका नंबर, वो आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर रन बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करना है MS Info 32 bit, ठीक है। 32 आपको यहाँ पर सेम एज इट इज टाइप करके ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो आपका लैपटॉप है उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर है वो कौन है, आपको यहाँ पर लिनोवो मिल जाएगा, लिनोवो का लैपटॉप है तो यहाँ पर ये लिनोवो का ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिस्टम SKU, यहाँ पर आपको कौन सा मतलब कौन सा जनरेशन का है, कौन सा इसका नंबर है, G5080 यहाँ पर मेरा है लैपटॉप, यहाँ पर लिनोवो का, जो यहाँ पर आपको सेम एज इट इज आपको डेल लैपटॉप के अंदर भी देखना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, वो आप चेक कर सकते हो वीडियोज़ की लिस्ट में जाके, ठीक है, अगर आपको डेल लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मैं लिनोवो के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिस्टम मैन्युफैक्चर करके जो ऑप्शन है यहाँ पर ये याद रखना है, और यहाँ पर आपका जो लिनोवो G5080 है ये वाला ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जो हम लोगों ने लैपटॉप का नेम लिया था, ठीक है। आपको क्या करना है, सेम एज इट इज यहाँ पर टाइप करना है लिनोवो G5080, ठीक है। G5080 था मेरा लैपटॉप का नेम, तो मैं यहाँ पर ये G5080 सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर जो पहला ही लिंक आएगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मतलब ये है कि आप यहाँ से ड्राइवर डाउनलोड करोगे, यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट है लिनोवो की वो ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, जो आपका नेम दिख जाएगा यहाँ पर, अगर आपके पास सीरियल नंबर है आपके लैपटॉप का तो यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दीजिए, ओके। और उसके बाद अगर आपको ड्राइवर कैसे डाउनलोड करने हैं इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैनुअल अपडेट पर क्लिक कर देना है इसके बाद, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपका, जो आपने विंडोज इंस्टॉल करके रखा है, विंडोज 10 है या फिर विंडोज 11 है या फिर विंडोज 8.1 है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो विंडोज है 64 बिट है, वो आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पर सेम एज इट इज जो यहाँ पर आपने खोल के रखा है, ओपन करके रखा है, यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर हम लोगों ने सिस्टम 32 के बिट के अंदर विंडोज 10 प्रो है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको वापस से ब्राउज़र के ऊपर चलना है। यहाँ पर हम लोग ब्राउज़र के ऊपर आ गए हैं वापस से, और यहाँ पर आपको कीवर्ड टाइप करना है ब्लूटूथ, ठीक है। हम लोग ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है वो डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ टाइप करना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है, उसको एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। कीबोर्ड से आपको एंटर प्रेस कर देना है तो यहाँ पर वो आपका ब्लूटूथ का जो है ड्राइवर नीचे की तरफ आ जाएगा, ओके। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका सिस्टम का ड्राइवर है यहाँ पर वो ऐसे दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, हमारा जो ड्राइवर है लिनोवो का ड्राइवर है जो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। अभी क्या करना है, जहाँ पर आपका ये ड्राइवर डाउनलोड होता है, मान लो आपका डाउनलोड फोल्डर के अंदर हो गया या फिर आपने कहीं पे अगर लोकेशन दे के रखा है कहीं पर भी,
तो वहाँ पर जाकर वो सेटअप आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ड्राइवर डाउनलोड करके रखे हैं अलग अलग, उसके जैसे VGA ड्राइवर है, अलग अलग कैमरे का ड्राइवर है, ऑडियो ड्राइवर है। तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ का भी ये सेम एज इट इज डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपको, और आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको, यस कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था। तो अभी मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पर वापस से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो ब्लूटूथ का ड्राइवर है वहाँ यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इसको आपको क्या करना है, फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका ड्राइवर है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर उसको आपको अपग्रेड करना है के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको येस या नो कर सकते हो अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है। तो नहीं आता है तो वेल एंड गुड, कोई ज़रूरत नहीं है करने की, यहाँ पर आप कर सकते हो इसको येस। तो यहाँ पर येस, नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। चेंज कर दीजिए इसको, नेक्स्ट चेंज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर चेक करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए कि हमारा ये प्रॉपर से इंस्टॉल्ड हो रहा है और हमारे डिवाइस मैनेजर के अंदर दिख रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है दिस पीसी के ऊपर और मैनेज बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप चेक करोगे, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के अंदर जाकर, यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ का जो आइकन था यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ब्लूटूथ का ड्राइवर है यहाँ पर वो दिखने लग जाएगा। और इसके बाद अगर आपका यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। सेटिंग्स के अंदर के जाने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, आपका जो UI है यहाँ पर ऐसा ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर जाओगे, वापस से सेटिंग्स के अंदर जाओगे, तो यहाँ पर आपको डिवाइस ब्लूटूथ प्रिंटर सेंड माउस करके एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा डायरेक्ट इस पेज पर लेके जाएगा, और यहाँ पर जो अगर आपका ऐसा बंद है, यहाँ पर डिसेबल्ड है, तो उसको इनेबल कर लेना है आपको, ठीक है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आपका कोई भी ब्लूटूथ का यहाँ पर कोई डिवाइस अगर आपको यहाँ पर शो हो रहा है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करने के बाद। ओके, सो आई होप आप समझ गए होगे कि अगर आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं आ रहा है डिवाइस मैनेजर के अंदर, वो आपको कैसे लेके आना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।